अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं चिकन कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी। चिकन कढ़ाई की रेसिपी की तरफ चलने से पहले जो मुझे और उसकी इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले जो मेरा काम कंप्लीट करना है वो ये है कि मैंने 3 टमाटर लिए हैं और इन टमाटरों को मैं उबलने रखूँगी हल्की आँच पे। उसके बाद फिर हम बाकी की रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये कढ़ाई मैंने ली है, इसमें मैं एक कप बड़ा कप पानी डाल रही हूँ। ये जूस का कप है, इसमें एक कप मैंने पानी डाला है और अब मैं इन तीनों टमाटरों को इसमें उबलने रहने दूँगी। ये तकरीबन 15-20 मिनट तक या जब तक कि टमाटर मुकम्मल तौर पर गल ना जाए और गल के उनका सॉस सा बन जाए इसको मैं उबलने दूँगी। अच्छा, अब मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। ये मैंने चिकन ली है, तकरीबन आधा पाव है, पाव है और थोड़ा सा नमक, लाल मिर्चें हैं ये तकरीबन मैंने आधा चम्मच, एक चम्मच, एक टेबल स्पून लिए है और ये वन टी स्पून ली है रोगनी मिर्चें, हल्दी तकरीबन 1 टी स्पून, सूखा धनिया 1 टी स्पून, दही 3 मैंने हरी मिर्चें ली हैं और ये आ गई काली मिर्चें तकरीबन 1 टी स्पून, ये आ गया ये था चाट मसाला तकरीबन 1 टी स्पून और ये है सूखा धनिया, ये है तकरीबन 2 टी स्पून और ये थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला। जीरा मेरे पास आज अवेलेबल नहीं था तो मैंने उसकी जगह गरम मसाला लिया, इसमें जीरा शामिल है और ये आ गया अदरक लहसुन का पेस्ट। टमाटरों को मैंने बॉयल होने रखे थे, तकरीबन 15 मिनट हो रहे हैं और ये इतना हो गया कि इनका छिलका खुद ब खुद ये उतर रहा है इन पे से। इसका पानी में कुछ करके इन टमाटरों को निकाल लूँगी। ये इतने गल चुके हैं कि इनका छिलका उतार के जब हम चिकन को बनाएंगे तो हम टमाटर जब डाल देंगे तो टमाटर उसके साथ गल जाएंगे, उनको ज़्यादा पतला करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बॉयल करके निकाल लिया है, अब जब ये थोड़ा सा ठंडे हो जाएंगे तो मैं इनका छिलका उतार के तो इनको ग्राइंड कर लूँगी। आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हम ये मैंने कढ़ाई को गर्म करने रख दिया है, इसमें पहले मैं ऑयल डालूँगी, मैंने डाल दिया इसमें ऑयल और अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन। चिकन को पहले मैं अच्छे तरीके से फ्राई होने दूंगी। तो चिकन अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगी फिर हम इसमें अदरक लहसुन डालेंगे। चिकन को हल्का सा मैं गोल्डन करूंगी, काफ़ी हद तक ही हो गई है रेडी। अब हम इसमें अदरक लहसुन डाल देंगे। चिकन का कलर जितना खूबसूरत आएगा वही खाना देख के और अच्छा लगता है और दिल जाता है खाने का। चिकन को अच्छे से फ्राई करें आप। ये मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। टमाटरों को मैं ग्राइंड कर लूँगी, ये जो बॉयल मैंने किए हैं इसमें टमाटर, हल्का सा मैंने पानी डाला था इसमें अदरक लहसुन के साथ ताकि अदरक लहसुन थोड़ा जोश का भी मिल जाएगा और चिकन में भी जो कच्चापन है निकल जाएगा और इसको पानी खुश हो रहा है, पानी खुश होते ही मैं इसमें टमाटर डालूँगी। लेकिन अभी उससे पहले मैं इसमें मसाले डालूँगी। लाल मिर्च है, ये कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ इसमें, इसका क्योंकि तेज़ी नहीं है तो ये सिर्फ कलर के लिए। चाट मसाला, चाट मसाला ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डालें, नहीं पसंद तो नहीं डालिएगा। काली मिर्च किसी भी, सूखा धनिया, पहले मैं ज़रा इसका चम्मच हिला दूँ, फिर ऑयल तो पहले गला ही हुआ था ये पानी के खुश होने के साथ साथ। मसाले भी इसके चुप हो जाएंगे। आ गया
नमक मैंने कम से डाला है, तेज है नमक, आप इसमें हल्दी रायता डालिएगा। ये हल्दी डालिए, गरम मसाला। मैं थोड़ी सी आँच हल्की करके इसको पकने दूंगी। मसाला भून रहा है इसका, और अब मैं ये डालूंगी टमाटर जो मैंने ग्राइंड कर लिए थे, उनको साथ ही भूनने दूंगी। थोड़ी दरमियानी आँच पे अब मैं इसको पकाऊंगी। ये मैं थोड़ा दही डालूंगी, तकरीबन 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून के बराबर। तो मैं तेल डाल के पकने दे रही हूँ, पानी इसका खुश करना है हमें। जरा मैं इसको, जैसे ही पानी खुश होगा तो हम इसको बिल्कुल हल्की आंच कर देंगे। इसी दौरान चिकन गल भी जाएगी और मसाला भी भून जाएगा। 10 मिनट हो गए हैं मुझे इसको पकाते हुए, तकरीबन 5 मिनट मैं इसको और पकाऊंगी। ज़रा मसाला थोड़ा सा और इसका ड्राई करना है। मैंने थोड़ी देर आँच की हुई है सर, ताकि इसका मसाला अच्छे तरीके से, क्योंकि कढ़ाई में मसाला बहुत ज़्यादा हम नहीं रखते हैं, थोड़ा खुश्क ही रखते हैं मसाला, तो इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा ड्राई कर रही हूँ। 5 मिनट तक मैंने इस मसाले को तेज़ आँच पे भुना है, मसाला तक हमारा खुश्क हो रहा है। अब हम इसको बिल्कुल हल्की आँच पे थोड़ी देर रहने दूँगी। आप एक काम और कर सकती हैं, इसमें मसाला भूनते दौरान थोड़ा सा धनिया बारीक काट कर और हरी मिर्चें जो कि तेज़ ना हो वो बारीक काट कर इसमें डाल दें, और अगर कसूरी मेथी है तो वो भी इसमें डाल के इसको अच्छे से भूनें, उससे कढ़ाई का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। मैंने ये हल्की आँच पे इसको मैंने रहने दिया है, इसने काफ़ी हद तक ऑयल छोड़ दिया है सालन ने, और हमने इसमें तीनों मिर्च डाल के इसको ढक के रख दूँगी तकरीबन 5 मिनट और। और बहुत ही मैंने आँच हल्की रखी है, और 5 मिनट बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे। जी व्यूवर्स, 5 मिनट के बाद मैंने इसको खोल कर देखा है, और आप देख सकते हैं हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। बहुत ही अच्छी खुशबू इसकी आ रही है। अगर आप इसको मज़ीद अच्छा लुक देना चाहते हैं तो इसको ऊपर से आप बारीक धनिया काट कर और क्या कहते हैं बारीक अदरक काट के वो ऊपर गार्निश करें, बहुत ही खूबसूरत लुक आता है। और रेसिपी में आप जब मसाला भून रहे हैं तो मैंने आपको जैसे बताया था कि थोड़ी सी हरी मिर्चें और धनिया अगर काट के डाल देंगे तो उसको पकने देंगे, वो अंदर खुल जाएगा और उसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आता है। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत ही जल्द मैं एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।